हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजीता अरोमा। मैं अजीता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अजीता अरोमा पे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चावल की फुलौरी। चावल की फुलौरी को ट्रेडिशनली 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है, पर इतिहास गवाह है जब जब हमने पापड़, तिलौरी और चिप्स वगैरह बनाने की कोशिश की है तो मौसम ने हम बेईमानी की है। सो, मौसम की बेईमानी यूके में तो चलती ही रहती है। सो, उसके लिए मैंने कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताई है वीडियो में, जिससे कि आप आराम से घर में चावल की फुलौरी रेडी कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स और फिर घर में ही बनाते हैं चावल की फुलौरी। सो, प्रोसेस स्टार्ट करते हुए मैंने गैस पे एक कढ़ाई को रखा है और कढ़ाई में मैं 3 कप वाटर ऐड कर रही हूँ और पानी को हम अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये हमारा पानी अच्छे से उबलने लगा है 2 मिनट में, तो अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल के और एक बार अच्छे से मिला के और फिर एक अच्छा सा बॉईल आने का हम वेट कर लेते हैं। चलिए, पानी अच्छे से उबलने लगा है नमक डाल के भी। अब हम इसमें 1 कप चावल का आटा ऐड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने 3 कप पानी में सिर्फ 1 कप चावल का आटा डाला है। ये प्रपोर्शन बहुत ही ज़रूरी है आपके फुलौरी को अच्छा बनाने के लिए। चलिए, चावल का आटा डालने के बाद हमको इसको प्रॉपरली मिक्स करते रहना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो स्पैचुला था वो हार्ड नहीं था, तो मैंने स्पैचुला चेंज किया है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा मेहनत का है, तो इसमें हार्ड स्पैचुला यूज़ करना होगा क्योंकि हमें इसको लम्प्स फ्री करना है। इसको अच्छे से हम चलाते जाएंगे। आँच को मैंने यहाँ पे फ्लेम को हमारी मीडियम टू स्लो रखा है। आप देख सकते हैं कि ये बैटर अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देती हूँ। अजवाइन टेस्ट में अच्छा आता है। और इसको हम वापस से एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बैटर है ये कढ़ाई में अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। सो, ये अब हो गया है। अब हम इसको ढक्कन लगा करके 10 मिनट तक अपनी ही स्टीम में पकने देंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। चलिए, 10 मिनट हो गया है। अब मैं जो मेरा बैटर है उसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। हम यहाँ कलरफुल फुलौरी बना रहे हैं, इसलिए एक तो हम वाइट कलर ही रखेंगे, बाकी का 3 कलर हम डिफरेंट कलर ऐड करेंगे। सो, चलिए इस पूरे बैटर को मैं 4 हिस्से में बांट लेती हूँ। सो, अब एक बाउल में मैं 1/2 स्पून रेड कलर ऐड कर रही हूँ और दूसरे बाउल में मैं 1/2 स्पून ही ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ और थर्ड बाउल में सैफ्रन कलर। मेरे पास ये 3 कलर थे, आपके पास अगर और कोई डिफरेंट कलर हो तो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, कलर डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे जो हैं वो चारों कलर के बैटर रेडी हो गए हैं। अब हम बनाते हैं हमारी फुलौरी को। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल वे दिखा रही हूँ, जिसमें हम एक वाइट कलर का मस्कुलिन क्लॉथ लेंगे और फिर हाथों की हेल्प से हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के साइज़ के हमारे फुलौरीज को डालेंगे और फिर ये कपड़े को मैं धूप में रख दूँगी। 3 से 4 दिन लगेगा और तब ये सूख के अच्छे से रेडी होगा।
फुलौरी डालने के लिए यहाँ एक बड़े साइज़ का आप पहले बैटर का गोला लीजिए, फिर हाथों में पानी लगाइए और फिर थंब से और अपनी फिंगर की हेल्प से आप छोटे छोटे ड्रॉप्स के साइज़ के इनको आप डाल सकते हैं। चलिए ये हमारा मस्कुलिन क्लॉथ जो है वो फुल हो गया है। सो आइए अब हम इसको बाहर धूप में रख देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस जिसमें हमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ एक ओवन का ट्रे को लिया है और इसमें हम हमारे फ्लोरीज को डाल देंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने कपड़े पर डाला था उसी तरह हम ट्रे में डालेंगे। अपने हाथों की हेल्प से छोटे छोटे ड्रॉप्स के साइज़ के डाल लेंगे और फिर हम ओवन को गर्म होने के लिए रख देंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस ट्रे को ओवन में डालेंगे और 10 मिनट के लिए हम ओवन में कुक करेंगे इसको। फिर ओवन को हम बंद कर देंगे बिल्कुल और ट्रे को लेकिन अंदर ही छोड़ेंगे जब तक ओवन अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। आवाज़ सुन सकते हैं तो अच्छे से क्रिस्पी रेडी हुए। चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। देख रहे हैं अच्छे से ये खिल रहे हैं। लीजिए हमारी फुलौरी जो है वो रेडी हो गई है खाने के लिए। इसको एंजॉय करेंगे हम चाय के कप के साथ। उम्मीद करती हूँ कि चावल की फुलौरी की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। मिलती हूँ इसी तरह की किसी इनोवेटिव रेसिपी के साथ दोबारा इसी चैनल पर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय बाय।